हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा, आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी टाइप इंक्लूड वेरियस फिजिकल एंड मेंटल इम्पेयरमेंट एंड दैट कैन हैम्पर और रिड्यूस अ पर्सन्स एबिलिटी टू कैरी आउट देयर डे टू डे एक्टिविटीज। दिस इम्पेयरमेंट कैन बी टर्म्ड एज डिसेबिलिटी ऑफ द पर्सन्स टू डू हिज हर डे टुडे एक्टिविटीज। डिसेबिलिटी कैन बी ब्रोकन डाउन इन टू अ नंबर ऑफ ब्रॉड सब कैटेगरीज विच इंक्लूड द फॉलोइंग एट मेन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। मोबिलिटी फिजिकल, स्पिनल कॉर्ड, देन हेड इंजरीज, विजन, हियरिंग, कॉग्निटिव लर्निंग, साइकोलॉजिकल, इनविजिबल। तो जैसे कि हमने देखा कि जो श्रेणियाँ होती हैं डिसेबिलिटीज़ की, वो कई प्रकार की होती हैं। कुछ दिमाग से रिलेटेड होती हैं और कुछ फिज़िकल रिलेटेड होती हैं। और इन्हीं एक्टिविटीज़ के वजह से क्या होता है कि लोग अपने डे बाय डे जो एक्टिविटी, जो हर दिन की क्रियाएं हैं, उसमें भी कुछ डिफ़िकल्टीज़, परेशानियाँ महसूस करते हैं, और जिसके वजह से वे हमेशा अपने आप को एक स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाते हैं। उनकी जो गतिविधियां हैं उसमें डिफ़िकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ती है। और इस प्रकार 8 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि सब कैटेगरीज में भी इंक्लूड हुई हैं। तो चलिए हम देखते हैं। मोबिलिटी फिजिकल, यानी मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से वहाँ जब ट्रांसफ़र होते हैं उस टाइम पे आपको किस प्रकार की मतलब डिफ़िकल्टीज होती हैं जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा, मोबिलिटी फिजिकल यानी फिजिकल से रिलेटेड जो अक्षमता है, और आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में जब डिफ़िकल्टी होती है तो आप इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या दिया है, स्पिनल कॉर्ड। स्पिनल कॉर्ड होता क्या है, स्पिनल कॉर्ड है बैकबोन, जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसे। उसमें अगर कुछ इंजरीज हो जाए और उसमें कुछ अगर सर्जरी, ये सारी चीज़ें अगर हो जाती है तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, प्रॉब्लम होती है लर्निंग में, इसका इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद आप जानती हैं सुनने से रिलेटेड, हेड इंजरीज, जो ज़ख्म लग जाते हैं ब्रेन में, कुछ ब्रेन से रिलेटेड होते हैं जो कि जन्म जात से मिल जाते हैं। कुछ जन्म के बाद एक्सीडेंट के द्वारा, किसी ऑपरेशन या सर्जरी के द्वारा भी हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें। उसके बाद विज़न आँखों से रिलेटेड है, हियरिंग कान से रिलेटेड है। उसके बाद कॉग्निटिव लर्निंग, जो कि मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है। कॉग्निटिव लर्निंग आप यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, ये देखिए कॉग्निटिव लर्निंग का, कि मतलब बच्चा कंफ्यूज है कि अरेंज करने में ABCD के बॉक्सेस, तो इस तरीके से उन्हें समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है। पढ़ाई से रिलेटेड ये कॉग्निटिव लर्निंग है, और इसमें बहुत सारी लर्निंग आ जाएंगी, डिस्ग्राफिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ऐसी बहुत सारी कॉग्निटिव लर्निंग आ जाएंगे। देन साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी से रिलेटेड, मनोविकार से संबंधित इसमें आएंगे प्रॉब्लम। इनविजिबल यानी कुछ जो डिसेबिलिटीज़ है वो दिखती नहीं है, उसे इनविजिबल में वे आ जाएंगी। तो इसमें भी साइकोमोटर से ही रिलेटेड चीज़ें आएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स। मोबिलिटी एंड फिजिकल इम्पेयरमेंट, दिस कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इंक्लूड्स पीपल विद वेरिंग टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज, इंक्लूडिंग अपर क्लाइंब डिसेबिलिटी, लोअर क्लाइंब डिसेबिलिटी, मैनुअल डेक्सटेरिटी डिसेबिलिटी इन कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आप देखिएगा यहाँ, यहाँ ये कह रहे हैं कि जो मतलब अपर लाइम डिसेबिलिटी है, जो मतलब हमारी पूरी शरीर है, इसके बाद जो हमारा ऊपरी भाग आएगा, है ना, सिर से लेके कमर तक का जो भाग आएगा, इसमें जो भी डिसेबिलिटी रहेगी उसे अपर लाइम डिसेबिलिटी कहा गया है, यानी कि शरीर के ऊपरी अंग की अक्षमता। उसके बाद नीचे के लोअर लाइम डिसेबिलिटी जिसे कहा गया है, कमर से लेके पैर के बीच में जो भी डिसेबिलिटी होगी, घुटनों में हो, कमर में हो, पैर में हो, किसी टोज में हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, डिसेबिलिटी होती है, उसे लोअर लाइम डिसेबिलिटीज़ कहा गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया हो। शरीर के जो निचले हिस्से हैं, कमर से निचले हिस्से होते हैं, उन्हें लोअर लाइम डिसेबिलिटी, और कमर से ऊपर के सर तक के जो हिस्से होते हैं उन्हें अपर लाइम डिसेबिलिटी कहा गया है। तो और उसके बाद देखिए, मैनुअल डेक्सटेरिटी है, ये संबंधित है आपके
याद करने की क्षमता से। उसके बाद डिसेबिलिटी कोऑर्डिनेशन, मतलब आपको अपने ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेट करने में अक्षमता होती है। जैसे कि देखेंगे आप कई कई बच्चे बहुत स्पीड में बात करते हैं, ठीक है, बट कभी कभी वे स्टटर करते हैं, मतलब लड़खड़ाते हैं बात करते समय, उनके वर्ड्स क्लियर नहीं आते हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो माइंड होती है उसकी स्पीड और उनकी जो वर्ड्स जो होती है उनकी स्पीड मैच नहीं करती हैं, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से ये उनकी डिसेबिलिटी होती है। कभी कभी आप देखेंगे बच्चे सोचते बहुत फास्ट है और लिख नहीं पाते उस फास्ट चीज़ों में, हाथ उनकी उतनी जल्दी चलते नहीं है, तो इस तरह की वो कोऑर्डिनेशन फील नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है उनका एक ऑर्गन्स के एक दूसरे में। उसके बाद देखिएगा डिसेबिलिटी इन मोबिलिटी कैन बी ईदर एन इनबॉर्न और acquired with age problem. It could also be the effect of a disease. People who have a broken bone also fall into this category of disability. तो जो मोबिलिटी होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने की जो दिक्कत है, ये कभी कभार जन्मजात होती है या फिर एज जो हो जाती है उसकी वजह से भी होती है। जैसे कि कोई किसी इंसान को की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, घुटनों में दर्द हो गया है, इस तरह की जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें ये डिसेबिलिटी आती है। उसके बाद ये एक तरह की बीमारी भी हो सकती है, और जिसके बैकबोन मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है टूट जाती है, उन लोगों को भी इसकी दिक्कत होती है, और ये लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग भी मोबिलिटी के फिजिकल इम्पेयरमेंट कैटेगरी में आते हैं, जिनका बैकबोन टूट जाता है या उसमें कुछ फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोबिलिटी एंड फिजिकल इम्पेयरमेंट, जहाँ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में जो भी दिक्कत हो उसे कहते हैं मोबिलिटी एंड फिजिकल इम्पेयरमेंट। उसके बाद देखिएगा स्पिनल कॉर्ड डिसेबिलिटी। स्पिनल मैंने आपको दिखाया, ये देखिए स्पिनल कॉर्ड, इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। स्पिनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी है जो बैकबोन होती है, उसे स्पिनल कॉर्ड कहा जाता है। तो स्पिनल कॉर्ड इंजरी SCI can sometime lead to a lifelong disability. This kind of injury mostly occurs due to severe accidents. The injury can be either complete or incomplete. In an incomplete injury, the messages conveyed by the spinal cord is not completely lost. Whereas a complete injury results in a total dysfunctioning of the sensory organs. तो देखिए spinal cord में क्या होता है कि ये जो बीमारी है mostly लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो जाती है, और ज़्यादातर ये जो बीमारी, ये जो अक्षमता है, ये एक्सीडेंट से ही लोगों को मिलती है, और इसमें पूरी तरीके से मतलब डिसेबल या फिर इनकम्प्लीट डिसेबिलिटी दोनों इंक्लूड होती है। इनकम्प्लीट इंजरी में क्या होता है कि स्पिनल कॉर्ड जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से टूटती नहीं है, वो थोड़ी बहुत काम करती है, बट जो कम्प्लीटली इंजरी होती है मतलब पूरी तरीके से काम नहीं करती है, वो पर्सन बैठ भी नहीं सकता है पलंग में और ना खड़े हो सकता है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी का जो प्रॉब्लम है, ये जब पूरी तरीके से काम करना बंद हो कर देता है, तो इसमें क्या है डिसफंक्शनिंग आएगा, मतलब कि उसके जो सेंस ऑर्गन से कुछ भी काम नहीं करेंगे, काम करना बंद कर देते हैं इसमें स्पिनल कॉर्ड डिसेबिलिटी में। इन सम केसेस स्पिनल कॉर्ड डिसेबिलिटी कैन बी अ बर्थ डिफेक्ट, और कभी कभी क्या होता है ये जन्मजात से भी स्पिनल कॉर्ड डिसेबिलिटी हो जाती है। देखिएगा आप कभी कभी किसी बच्चे को पोलियो, अगर पोलियो जैसी भी बीमारी हो जाती है, तो वे भी कभी कभी बैकबोन में भी अगर उनकी इस चीज़ का इफेक्ट होता है, तो बैकबोन की वजह से ना वो बैठ पाते हैं, ना खड़े हो पाते हैं, ना चल पाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक स्पिनल कॉर्ड डिसेबिलिटी है जो कि बैकबोन से रिलेटेड है। ये मोस्टली लोगों के लाइफ में लाइफ लॉन्ग टर्म तक भी आ जाते हैं, एक्सीडेंट के द्वारा खास तौर पर मिले हैं, कभी कभी ये जन्मजात से मिलते हैं, और इसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट तरह की इंजरीज हैं। कंप्लीट मतलब जो पूरी तरीके से काम ना करे, इनकम्प्लीट जो थोड़ा बहुत काम करती है, जिसे मतलब सर्जरी या फिर ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सके। हेड इंजरीज ब्रेन डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी इन द ब्रेन ऑक्यूर्स ड्यू टू ब्रेन इंजरी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ब्रेन इंजरी कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड, मॉडरेट एंड सेवर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेन इंजरीज, अक्वायर्ड ब्रेन इंजरीज ए बी
आई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज TBI। तो देखिए ब्रेन इंजरीज क्या होती है कि ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली ब्रेन से रिलेटेड है, बस इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कभी कभी ये बहुत कम होती है प्रॉब्लम, कभी ये मीडियम होती है, या कभी बहुत ज़्यादा ये ब्रेन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इसके दो प्रकार हैं, एक है ABI अक्वायर ब्रेन इंजरीज और दूसरा है ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरीज। तो ABI इज़ नॉट अ हेरिडिट्री टाइप डिफेक्ट बट इज़ द डिजनरेशन दैट अक्यूर्स आफ्टर बर्थ। द कॉजेज ऑफ सच केसेस ऑफ इंजरी आर मेनी एंड आर मेनली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स। TBI रिजल्ट्स इन इमोशनल डिफंक्शनिंग एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंस। तो देखिए जो ABI है ये मिली हुई है, मतलब ये जैसे कि जनरेशन से ये नहीं मिलती है, डिफेक्ट करती है ये, उसमें डिजनरेशन हो जाती है ये बर्थ के बाद, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगी। हाँ बट ये जो इंजरीज हैं ये खास तौर पे बाहरी जो फोर्स होती है, प्रतिक्रियाएं होती हैं उसके वजह से आती है, मतलब शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट्स में अगर कोई फोर्सेस हो आउटसाइडली तो ये उस टाइम पे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। और जो TBI है ये इमोशनल मतलब जो संवेगात्मक तौर पे जो टाइम फंक्शनिंग और बिहेवियरल डिस्टर्बेंस होता है इसमें आपका, जो मतलब जिसे भी TBI का प्रॉब्लम हो जाता है वे लोग सांवेगिक तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं बिहेव कर पाते हैं, और उनका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, उत्पीड़ित होता है, वो सामान्य लोगों की तरह बिहेव नहीं करते हैं TBI वाले। ABI वालों का ये क्या होता है प्रॉब्लम कि जो बाहरी तौर पे अगर उनके शरीर के किसी पार्ट पे इन्फोर्स हो उस टाइम पे ABI का प्रॉब्लम होता है, और TBI का प्रॉब्लम ये इमोशनली और फिजिकली मतलब बिहेवियरल डिस्टर्बेंस में प्रॉब्लम होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ABI और TBI मेन है इसमें ब्रेन प्रॉब्लम में, और जो ब्रेन प्रॉब्लम होती है इसके माइल्ड मॉडरेट और सेवियर इस तरीके की प्रॉब्लम है। उसके बाद देखिए विजन डिसेबिलिटी, विजन डिसेबिलिटी देखिएगा, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल दैट हैव माइनर टू वेरियस सीरियस विजन डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट्स। दिस इंजरीज कैन ऑल्सो रिजल्ट इन टू सम सीरियस प्रॉब्लम्स और डिजीज लाइक ब्लाइंडनेस और ऑक्यूलर ट्रामा टू नेम अ फ्यू। तो जो विजन डिसेबिलिटी होती है वे बहुत प्रकार की होती हैं, और कुछ ये सीरियस प्रकार की भी होती हैं, और इसमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, कठिन परिस्थितियां भी आ जाती हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस अंधापन हो जाए, ऑक्यूलर क्रोमा ये भी एक इंजरी होती है जिसके वजह से पर्सन पूरी तरीके से अंधा हो जाता है। तो सम ऑफ द कॉमन विजन इम्पेयरमेंट इंक्लूड्स स्क्रैच कॉर्नियल स्क्रैचेस ऑन द स्क्लेरा डायबिटीज रिलेटेड आई कंडीशंस ड्राई आइस एंड कॉर्नियल ग्राफ्ट। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी भी मतलब तकलीफ होती है लोगों को, जैसे कि स्क्रैचेस कॉर्नियल एक तरह की बीमारी है, स्क्रैचेस ऑन द स्क्लेरिया, देखिए आप यहाँ आइस एक बनी हुई है, ये है कॉर्नियल एब्रेशन, ठीक है, यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो जाए तब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, अंधेपन की भी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद देखिएगा पार्ट्स हैं ये आइस के, यहाँ पे देखिए ये लेंस आयरिश कॉर्नियल एंड स्क्लेरेरा क्रॉस सेक्शन ऑफ आई, ये जो क्रॉस सेक्शन है आइस का हम देख रहे हैं। तो हम जैसे कि यहाँ पे पढ़े हैं कि स्क्रैचेस ऑन द स्क्लेरा, तो अगर ये स्क्लेरा है, ठीक है, स्क्लेरा में अगर स्क्रैचेस आ जाएँ तभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है विज़न देखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। कॉर्नियल में अगर प्रॉब्लम हो जाए उसमें स्क्रैचेस आ जाए तब भी हमें दिक्कत होती है किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप में देखने में। और यहाँ पे देखिए ये कॉर्नियल, ठीक है, तो ये कॉर्नियल में अगर स्क्रैचेस आ जाते हैं तब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इंसान को देखने में भी प्रॉब्लम होती है, और ये लेंस से। तो
आई होप आपको ये पिक्चर से आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही है कि कहाँ क्या स्क्रैचेस कहाँ आने से क्या प्रॉब्लम होगी, ताकि आपको ये जो टॉपिक है बेहतर तरीके से समझे। उसके बाद डायबिटीज़ जो लोग होते हैं उनकी भी जो आई आँखों की जो कंडीशन होती है वो भी अलग ही होती है, किसी की ड्राई होती है, कॉर्नियल ग्राफ्ट होता है किसी में। तो आई होप आपको ये विजन डिसेबिलिटी समझ में आ गया होगा। विजन डिसेबिलिटी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि स्क्रैचेस कॉर्नियल हो, स्क्रैचेस ऑन द स्क्लेरा हो, डायबिटीज़ रिलेटेड आईज कंडीशन और ड्राई आईज और कॉर्नियल ग्राफ्ट, ये जो बीमारियाँ हैं ये अंधेपन तक ला सकती हैं। उसके बाद ऑक्यूलर ट्रॉमा है कुछ एक बीमारी का नाम है, जिसकी वजह से लोग देख नहीं पाते हैं, तो इंजरीज हैं ये सारी। और विज़न में क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोगों को थोड़ा बहुत कम दिखता है, जिसकी वजह से वे सर्जरी करा के या किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे देख पाते हैं, बट कभी कभी इतनी ज़्यादा इंजरीज हो जाती है कि सर्जरी के बाद पूरा दिखना भी बंद हो जाता है, तो इस तरीके की भी नौबत आ जाती है। उसके बाद देखेंगे हियरिंग डिसेबिलिटी। हियरिंग डिसेबिलिटीज इंक्लूड पीपल दैट आर कम्प्लीटली और पार्शली डीफ। डीफ इज़ द पॉलिटिकली करेक्ट टर्म फॉर द पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। पीपल हु आर पार्शली डीफ कैन ऑफन यूज हियरिंग एड्स टू असिस्ट देअर हियरिंग। डीफनेस कैन बी एविडेंट एट द बर्थ और अक्यूर लेटर इन लाइफ फ्रॉम सेवरल बायोलॉजिकल कॉसेस। फॉर एग्जाम्पल मैनिगिटिस कैन डैमेज द ऑडिटरी नर्व्स ऑफ द कॉक्लिया। तो देखिए जो सुनने की जो क्षमता है वो एक्चुअल में बहरेपन ही शब्द इसके लिए यूज़ किया गया है, और इस वजह से जो हमारे राजनीतिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो शब्द सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लॉज में भी अगर शब्द यूज़ हो रहे हैं, कोई एक्ट बना है, तो उसमें भी डीफ इम्पेयरमेंट शब्द यूज़ किया गया है। और कुछ लोग ज़्यादा बहरे होते हैं, कुछ लोगों में थोड़ी बहुत अक्षमता होती है, नहीं सुन पाते हैं, वे हल्की आवाज़ सुनते हैं, तो इन लोगों के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसे बनी हैं जिनका वो उपयोग करके पूरी तरीके से वर्ड्स को सुन सकते हैं सही एवरेज में। और भी ऐसे और जो सुनने की जो प्रॉब्लम है वो जन्मजात भी हो सकती है, या फिर बड़े होने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए लाइफ में जिसकी वजह से उनके कान में जो फंक्शंस होते हैं उनमें उसमें असर हो, असर होने के बाद भी होता है वो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए उसके कुछ प्रॉब्लम दिए हैं, जैसे कि मैग्नेटाइज डैमेज हो जाए, या फिर जो ऑडिटरी नर्व्स होते हैं उसमें कॉकलिया हो जाए तो ये लोग नहीं सुन पाते हैं। डीफ पीपल यूज साइन लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हंड्रेड्स ऑफ साइन लैंग्वेजेस आर इन यूज अराउंड द वर्ल्ड। इन लिंग्विस्टिक टर्म्स साइन लैंग्वेज आर एज रिच एंड कॉम्प्लेक्स एज मेनी एज एनी ओरल लैंग्वेज, डिस्पाइट द कॉमन मिसकंसेप्शन दैट दे आर नॉट रियल लैंग्वेजेस। तो देखिए कि जो लोग सुन नहीं पाते हैं, ऑब्वियसली वो लोग बोल भी नहीं पाते हैं, जब उनके कान में वर्ड्स नहीं पड़ते हैं तो वो ना सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। तो इन लोगों के लिए साइन लैंग्वेज होती है। साइन लैंग्वेज वो जो आपके फिंगर्स को शो करती है, फिंगर्स के द्वारा वो लोग बात करते हैं, तो ये बॉडी लैंग्वेज भी होती है। तो वे अपने साइन लैंग्वेज के द्वारा सब शब्दों को समझते हैं और अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है वे करते हैं। तो हमारे जो पूरे विश्व में बहुत सारी साइन लैंग्वेजेस हैं, और इस तरीके से साइन लैंग्वेजेस बहुत सारी होने की वजह से उसमें कोई प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि ये उनकी एक रियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न होगा, ये एक साइन लैंग्वेज है जो हर जगह सेम ही होगी और जिसकी वजह से उन्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है ऑलमोस्ट। अब हम ये देखेंगे कि जो हमें सुनने में प्रॉब्लम होती है, इसका एक डायग्राम देखिएगा आप। ये देखिए मैंने ईयर बनाने की कोशिश की बट वो उतना अच्छा नहीं बना है, बट फिर भी आई होप आपको ये समझ में आएगा कि ये ईयर कैनल है, ऑसिकल्स, कॉकलिया। देखिए यहाँ पे बोला है उन्होंने कॉकलिया, ठीक है, तो ऑडिटरी नर्व्स और द कॉकलिया। यहाँ पे अगर डैमेज हो जाए आपका
ऑडिटरी नर्व्स, ये है आपके ऑडिटरी नर्व्स, अगर ये डैमेज हो जाए या फिर आपकी कॉकलिया डैमेज हो जाए तो इस वजह से क्या होगा कि इंसान पूरी तरीके से बहरा हो जाएगा, वो बिल्कुल भी सुन नहीं पाएगा। मतलब आप अगर थोड़ा बहुत सुन पाते हैं तो एक किसी ऐड को लगा लेंगे, एड को लगा लेंगे, तो आपको वो चीज़ सही तरीके से सुनाई देने लगेगी। बट अगर ऑडिटरी नर्व्स या फिर कॉकलिया डैमेज हो जाए तो सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो टेक्नोलॉजिकल सर्जरी से भी ठीक नहीं होते हैं और इसके लिए फिर साइन लैंग्वेज ही सीखनी पड़ती है। तो ये है ऑसिकल्स, उसके बाद है स्ट्रेशियन ट्यूब, ईयर ड्रम, ये है ईयर ड्रम। तो ये आपको हेल्प कर रहा है समझने में कि मतलब क्या है कॉकलिया और क्या है ऑडिटरी नर्व्स। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये डैमेज हो जाए तो पूरी तरीके से इंसान का सुनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज आर काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट प्रेजेंट इन पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया एंड वेरियस अदर लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इंक्लूड स्पीच डिसऑर्डर। तो एक मिनट, यहाँ देखिएगा, हमने देखा था कॉग्निटिव लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। कॉग्निटिव लर्निंग डिसेबिलिटी में हमने क्या देखा था कि ये बच्चा बहुत ही कन्फ्यूज है। वो इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि ए बी सी डी अरेंज कैसे करना है, और उसे नहीं पता है कि अब ए के बाद उसने सी लगा दिया, अब क्या लगाना है। तो इस तरीके की जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं पढ़ने संबंधित या लर्निंग से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसे डिसलेक्सिया कहा गया है। तो यहाँ पे एक ही डिसलेक्सिया के बारे में किया गया, डिसलेक्सिया से बच्चा जूझता है यहाँ पे कॉग्निटिव से, और यहाँ पे और भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसे, जैसे कि स्पीच डिसऑर्डर होता है, वो बोलने में भी स्टटर करता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता, उसके सीक्वेंस माइंड में बैठे नहीं होते, जिस वजह से वो अटकता है बोलते वक्त, और कभी कभी बच्चे की राइटिंग भी सही नहीं होती है, उल्टे सीधे वर्ड्स भी वे लिखते हैं। तो इस तरीके से कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं पढ़ने से संबंधित कि बच्चे अडॉप्ट नहीं कर पाते और कॉग्निटिव लर्निंग डिसेबिलिटी में ऐड होते हैं। पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया, और लिखने की संबंधित डिसेबिलिटी को डिसग्राफिया कहते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल मनोविकार है ये। अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ मूड और फीलिंग स्टेट्स इधर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। मेंटल हेल्थ इम्पेयरमेंट इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स और इलनेस सच एज। तो देखिए, ये जो है ये आपके मनोविज्ञान से रिलेटेड है, मतलब कि आपकी जो मंशा है वो कैसी है उसके ऊपर है ये डिसऑर्डर। ये सही नहीं होता है एक्चुअली, मन की जो मंशा होती है वो सही नहीं होती है। यहाँ पे ये इस डिसऑर्डर में, इस असक्षमता में क्या होता है, मूड और फीलिंग ये एक जैसे नहीं होते हैं, कभी ये शॉर्ट टर्म में होते हैं या कभी लॉन्ग टर्म में होते हैं। अगर किसी इंसान को गुस्सा आ गया तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा और वो बहुत लॉन्ग टर्म भी रह सकता है, या फिर किसी को बहुत लेट गुस्सा आएगा और जल्दी से शांति भी हो जाएगा, ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से उनकी एक्टिविटीज़ होती है, उनके दिमाग से रिलेटेड होती है ये प्रॉब्लम, और लोगों की जो अनुभव होते हैं उनके साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं। डिस्क्राइब पीपल हु हैव एक्सपीरियंस साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स एंड इलनेस सच एज। तो जो लोगों का एक्सपीरियंस है, मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर होते हैं उन लोगों के अनुभव के आधार में ये दिखाया गया है कि कुछ लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ इम्पेयरमेंट होती है, मतलब उनकी दिमागी जो सेहत होती है वो असक्षम होती है, उनके अंदर मूड और उनकी फीलिंग से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी इसी में इंक्लूड होता है। डिफाइंड एज डीपली इनएडिक्वेट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड थॉट ऑफ सफिशियंट सेवेरिटी टू कॉज अ सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट डे टू डे एक्टिविटीज। स्कियोफेरनिया, स्किजोफेरनिया और मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग मूड एंड बिहेवियर। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, एक इसके बारे में दिखाया गया है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है,
यहाँ पे बताया गया है कि जो बिहेवियर है वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, सोच बहुत ज़्यादा स्पीडली दौड़ती है इसमें, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। उसके बाद हर उनकी जो दिन पर दिन जो उनकी क्रियाएं हैं उस पर ये चीज़ दिखती है कि उनकी जो सोच होती है इतनी फास्ट होती है कि वे उनको समझ नहीं आता क्या क्या करें क्या क्या नहीं। और उसके बाद है स्केजोफेरिया। स्केजोफेरिया में देखिए कि जो मेंटल जो स्थिति होती है, दिमागी स्थिति होती है, उसमें डिस्टर्बेंस होता है, उनकी जो सोच होती है वह उत्पीड़ित होती है, उनका मूड उत्पीड़ित होता है, उनका जो व्यवहार होता है वो उत्पीड़ित होता है, तो वे समझ नहीं पाते उनको सही क्या गलत क्या है। उसके बाद देखिए इनविजिबल डिसेबिलिटीज, जो अक्षमता अक्षमता दिखती नहीं हो उसे इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ कहा गया है। इनविजिबल डिसेबिलिटी आर डिसेबिलिटीज दैट आर नॉट इमीडिएटली अपियरेंट टू अदर्स। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ पीपल इन द US हैव अ मेडिकल कंडीशन कंसिडर अ टाइप ऑफ इनविजिबल डिसेबिलिटी। तो इनविजिबल डिसेबिलिटी के बारे में बस इतना ही कहा गया है कि ये दिखती नहीं है दूसरों को जल्दी से, और US में 10% लोग जो थे वे मेडिकल कंडीशन में कंसिडर किए गए हैं कि इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ भी होती है, जो कि सामान्य तौर पर सबको नहीं दिखती है, बट हाँ होती है, जो कि कुछ ही लोग इसे जज कर पाते हैं और वे बहुत ही कम तरीके में होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इन डिसेबिलिटीज़ के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो में अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसके ऊपर काम ज़रूर किया जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।